प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था तो एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश आबादी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है, कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता, रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों की पसंदीदा कार्य उनको मिल सके, उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्सर से यहां लागू किया। जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए, सरकार ने जो परफॉर्म किया आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई, आज परिणाम है देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16 नंबर 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। टूरिज्म में, यानी गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है, महाराज भगीरथ गंगा को लेके इसी उत्तर प्रदेश में आए थे, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में, देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही, कभी ध्यान नहीं दिया गया। अपने नाम पे स्मारक बन रहे हैं, अपने नाम को महामंडित करने के प्रयास जरूर हुए, अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए फ्लेवर के साथ काशी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले, लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं, सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले राम कृष्ण शंकर ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी, और आज जब लगता है कि अब ये बृहत समाज माफ नहीं करने वाला है तो सब लोग
अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति लगा है लाइन पे, लोहड़ लगी है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला, वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब, उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबके, सब गायब, क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है, सबको डाइल्यूट कर लिया है। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ और मां गंगा की कृपा ऐसी, इतना सुंदर, इतना सुरक्षित, इतना सुव्यवस्थित आयोजन, 24 करोड़ श्रद्धालु एक जगह एक स्थान पर आकर के इसमें सहभागी बने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये श्रेय भी तो उत्तर प्रदेश को जाता है। आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आए थे चौथे पांचवें स्थान पर था, आज नंबर एक पर है। सबसे अधिक टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह भूमि है, हर व्यक्ति आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए हैं आज जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर और ईज ऑफ लिविंग में, लोगों के जीवन की सुगमता, सुगमता हर एक फील्ड में, निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना, एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना, और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे ये महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं, और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई है। 1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं, मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे इस सन्यासी विद्रोह जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं,